नीट 2024 एग्जाम के लिए हमारा अंतिम प्रहार, हमारा टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में, ताकि गवर्नमेंट सीट आसानी से मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो देखते जाइए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहली चीज तो ये समझिए कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है वो पुअर है, कम है, इसीलिए इसको कैरी करने के लिए पिगमेंट चाहिए और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी समझ में आ गया। नंबर टू ये समझिए कि हीमोग्लोबिन जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होता है, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक्चुअली दो तरह की हैं और दो को कहते हैं अल्फा और दो को कहते हैं बीटा। सो चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो तरह की हैं। इसके बाद हमने ये कहा कि अगर हम ये अल्फा चेन मान लें, ये भी अल्फा चेन मान लें एंड लेट अस से ये बीटा चेन मान लें, तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होगा और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को आप कहते हैं हीम। सो यहां पर हमने कहा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम है हीम। सो पहले तो ये समझ में आ गया कि इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में चार हीम होंगे। हर एक हीम पर एक फेरस आयरन है, ध्यान दीजिएगा आयरस फेरस फॉर्म में है, ऑक्सीजन के लूजली और रिवर्सिबली बाइंड करने के लिए फेरस आयरन का होना बहुत जरूरी है। सो Fe2+ फॉर्म में है और हर एक आयरन पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड करता है, एटम बाइंड नहीं करता है और मॉलिक्यूल बाइंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, जब पूरी तरह से सैचुरेट होगा तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन विल कैरी फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर जब ये पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का चार मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इस ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को ऐसे लिखेंगे HbO2 और इसका नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन लिख रहा हूँ। सो इसको मैंने ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन लिखा, इसको मैंने ऑक्सीडाइज्ड नहीं लिखा। सो दिस इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन को, ये बहुत लूज है और रिवर्सिबल है, ये बहुत लूज और रिवर्सिबल है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहां समझ में आए, चलिए और आगे चलते हैं। अब हमने ये कहा कि करीब 100 ml ब्लड में, सो लेट अस टेक पॉइंट नंबर 3, हमने ये कहा कि करीब 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में करीब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन करीब करीब 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। इसका मतलब 100 ml ब्लड में जिसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, रफली 20 ml ऑक्सीजन होगी। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी जब वो पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा। अब जब ये ब्लड टिश्यू में घुसता है तो हमने कहा ये एक आर्टरी है, इसमें 100 ml ब्लड है, 100 ml 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और ये 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ये जब घुसा टिश्यू में, इस टिश्यू में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, ये कैपिलरीज जुड़ी और यहां पर मैंने लिख दिया कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें होगा ये कि यहां पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम होता है, ये कुछ ऑक्सीजन डिलीवर करेगा और ये जो ऑक्सीजन
डिलीवर करेगा, ये 5 ml ऑक्सीजन है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी की, समझ लीजिए 100 ml ब्लड जब पूरी तरह से सैचुरेटेड हुआ था तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन थी, लेकिन उसने जो डिलीवर की है वो 5 ml है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैपिलरीज जुड़ के वेन बनाएंगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा, तो 100 ml ब्लड में जिसमें अभी भी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, करीब 15 ml ऑक्सीजन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में प्रेजेंट होगी। इसके बाद एक और चीज समझिए, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 डायरेक्टली नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक शब्द होता है जिसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैंने जैसा कहा कि जस्ट एक कंसेप्ट समझने के लिए आपको बता रहा हूं, इसे कहते हैं कोऑपरेटिविटी। सो पहला जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो डिफिकल्ट होता है। सो जब हीमोग्लोबिन पहला ऑक्सीजन उठाता है तो मुश्किल से उठाता है, फिर उसके बाद में इट बिकम्स मोर इजियर द थर्ड वन एंड द फाइनल वन वुड बी द इजीएस्ट। सो यहां पर एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि बाद में जब कभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसे कोऑपरेटिविटी कहते हैं, ये एक कर्व की सिग्मोइड शेप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिए। अब हमने ये कहा कि वो क्या वजह है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगी, प्राइमरी चीज क्या है, व्हाट विल बी द प्राइमरी डिटरमिनेंट। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं कि प्राइमरी फैक्टर क्या है, प्राइमरी डिटरमिनेंट क्या है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन को। प्राइमरी, ये शब्द 3 बार बोल रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे सर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, सिंपल सी बात है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो बाइंड करेगी और अगर कम होगा तो अनलोड होगी। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। सो हमने ये कहा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना एक कर्व बना दें कि कितने पार्शियल प्रेशर पे, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है MMHg में, कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है। तो यहां पर सैचुरेशन परसेंटेज दी हुई है हीमोग्लोबिन की। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे मैंने 2 पैरामीटर्स ले लिए और मैं कैसे उनके बीच में एक कर्व बना रहा हूं। 3 वैल्यूज मुझे याद रखनी है एल्वियोलाई में या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, करीब 95 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है। अगर मैं यहां से सीधा जाऊं तो करीब करीब 98% के करीब इसमें हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। आप इस पॉइंट को ए लिख सकते हैं, ये कायदे में 95-98 के अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन आप इसे 100-100 मान लें। 100 पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का है तो 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको चाहिए वो टिश्यूज पर है, ये टिश्यूज पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है, और अगर आप इसको सीधा ऊपर जाए तो आप ये देखेंगे कि 40 mmHg पर करीब करीब 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। तो ये पॉइंट नंबर बी आ गया जिसमें आपने कहा 40 mmHg पर 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। जो तीसरा पॉइंट है उसे P50 कहते हैं। ये P50 वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पर करीब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। ये वैल्यू एक्चुअली 26.7 के करीब आती है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट नंबर सी है, और हमने कहा करीब 30 mmHg पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। अब अगर आप कर्व बनाएंगे तो आपकी एनसीईआरटी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि कोऑपरेटिविटी की वजह से मैंने आपको बताया, ये सिग्मोइड शेप कर्व आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कर्व। आपको ये समझ में आ गया कि ये कर्व कैसे बना है, और ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि इस बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस कौन करेगा। सो प्राइमरी चीज तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन क्या कोई और चीज इस बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। तब आप कहेंगे कि PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, pH की वैल्यू और टेम्परेचर, ये वो 3 फैक्टर हैं। ध्यान दे देना बेटे, हम ये कह रहे हैं ये वो 3 फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर चौथी बार बता रहा हूं कि प्राइमरी डिटरमिनेंट तो देखिए अपनी एनसीईआरटी में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, लेकिन इस पर असर कौन डाल रहा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, pH और टेम्परेचर का। सो ये बात समझ में आ गई, वापस आएंगे। तब तक मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि एल्वियोलाई में होगा क्या।
एलवीओलाई पर देखिए अपनी एनसीईआरटी, एलवीओलाई में हमने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, पीएच ज्यादा है, इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब एसिडिटी कम है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एसिडिक कंडीशंस एंड पीएच. और यहां पर टेम्परेचर भी कम है, यहां पर टेम्परेचर भी कम है, ये वो सारी कंडीशंस हैं जो कि फेवर करती है HbO2 के बनने के लिए. इसमें हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बाइंड करती है. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. फिर बता रहा हूं बच्चे, ये प्राइमरी है और ये बेटे क्या करेंगे, इसको सेकेंडरली इन्फ्लुएंस करेंगे. टिश्यू पर क्या होगा? सो अगर मैं टिश्यू पर जाता हूं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट टिश्यू. टिश्यू में हमने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है. देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई. दूसरा ये है कि PCO2 ज्यादा है क्योंकि यहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उस मेटाबॉलिज्म में एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. यहां पर पीएच कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है. और ये जो कंडीशंस हैं, ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टू ऑक्सीजन इसको कम करते हैं. सो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टू ऑक्सीजन, इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड. सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, हमने ये कहा कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड से कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अनलोड करेगा और यही हम चाहते हैं क्योंकि यही ऑक्सीजन टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म में काम आएगी. ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई. अब देखिए बड़े ध्यान से, इस वाली चीज को हम कहते हैं बोर इफेक्ट. इसको हमने क्या कहा? बोर इफेक्ट कहा. और बोर इफेक्ट का मतलब यह है कि टिश्यू पर किसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो अनलोड करेगा ऑक्सीजन. इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. वो तरीका ये है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, अगर टिश्यू पर जाके हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो रही है तो हम इसे ये कहते हैं कि ये राइट शिफ्ट हो रहा है. सो दिस कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड टू द राइट. राइट शिफ्ट का मतलब है एफिनिटी कम हो रही है. एफिनिटी कम होने का मतलब है उसी पार्शियल प्रेशर पर, उसी पार्शियल प्रेशर पर कम ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन को, या उसी पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन कुछ ऑक्सीजन को अनलोड करेगा. यह मतलब है राइट शिफ्ट का. वापस जाते हैं इस चीज को समझाने के लिए. मैंने आपसे यह कहा कि मान लीजिए पीएच चेंज हो जाए, अगर कंडीशन एसिडिक हो जाए, पीएच 7.4 है तो आप जानते हैं कि आपके ब्लड की पीएच 7.33 से 7.44 के बीच में होती है. अगर कंडीशन एसिडिक हो गई, देखिए एसिडोसिस है, तो हमने कहा कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटे? राइट में. सो अगर आप ध्यान दें तो ये कर्व किधर शिफ्ट हुआ है? राइट में. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज राइट शिफ्ट. ये राइट शिफ्ट मैंने आपसे क्या कहा? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड पे होगा, इंक्रीज्ड एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पे, इसका मतलब डिक्रीज्ड पीएच पर होगा, और इसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर पर होगा. इस टाइम पर ऑक्सीजन, देखिए बड़े ध्यान से, अगर ये कर्व राइट में शिफ्ट हो गया तो उसी पार्शियल प्रेशर पे 40 mmHg पर अगर आप देखें, अगर ब्लड की पीएच बेटे करीब 7.0 हो जाए तो जिस पार्शियल प्रेशर पर एक्चुअली 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता था, अब उस पर करीब केवल 50% सैचुरेटेड हो रहा है. इसका मतलब 5 ml ऑक्सीजन और रिलीज हो जाएगी, और इस तरह की सिचुएशन में ब्लड में से 10 ml ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा. डिमांड एंड सप्लाई, जिसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वहां पर उतना कर्व राइट में शिफ्ट होगा और उसको उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 ml पर 100 ml इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज. स्ट्रेनस एक्सरसाइज कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि करीब 100 ml ब्लड से मैक्सिमम 15 ml निकाली जाती है. ये याद रखिएगा कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में मैं आपको बता चुका हूं ये अमाउंट केवल 5 ml है. सो जिस टाइम पर
कर जिस टाइम पर ब्लड टिश्यू में पहुंचेगा तो वहां ये कंडीशंस होंगी, कर्व किधर शिफ्ट होगा बेटे, राइट में, उसी पार्शियल प्रेशर पर कुछ ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। और अगर इसी वजह से जब जैसे ही ब्लड बेटे लंग्स पर पहुंचेगा तो ये वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा यहां पर, और मान लीजिए पीएच ज्यादा एल्कलाइन हो गई तो ये कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि एफिनिटी बढ़ जाएगी, और एफिनिटी बढ़ जाने का मतलब यह हुआ कि उसी पार्शियल प्रेशर पे अब की बार आप देखेंगे कि ज्यादा सेचुरेशन हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो जिस टाइम पर एल्वियोलाई में पहुंचते हैं तो यह वाला कर्व आएगा, एल्वियोलाई में यह वाला कर्व आएगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, PCO2 कम है, यहां पर टेम्परेचर कम है, और यहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन भी कम है, और यहां पर HbO2 बनेगा और यहां पर HbO2 से ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसको आप बोहर इफेक्ट कहते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू टू कंसीडर रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ब्लड। अब जब जैसे ही आप इस वीडियो को देख लें तो थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां पर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में, वो पोस्ट करूंगा। सो सबसे पहले आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में टेलीग्राम पर आपने इससे रिलेटेड क्या किया, क्वेश्चंस किए। एक और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे डालिए, मैं वही टॉपिक अभी करा रहा हूं जो आपने मुझे या कपिल सर को भेजे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि और जो भी जरूरत है वो आप डालिए। अभी अगले 2-3 दिन तक मेरा जो फोकस है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर रहेगा। सो हम काफी सारे वीडियोस करते हैं, जो भी आपको चाहिए आप ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड सबसे पहले आप अपने वीडियोस पूछते रहिए मेरे से कि सर ये टॉपिक चाहिए। एक कंसंट्रेटेड काम करते हैं, अगर प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी प्रॉब्लम है तो उसके बाद इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम 2 दिन प्लांट फिजियोलॉजी के रखेंगे, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी से अपने कॉन्सेप्ट्स के वीडियो मुझसे डिमांड कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सक्सेस, बिल्कुल पास है इस टाइम पर, बस बेटे जूझते रहिए, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।